Hello students, in this video we will discuss about chapter 5 of English literature. So the name of the chapter is Our National Flag. Matlab Hamara, national means Rashtriya, matlab Desh ka flag. Flag means Jhanda aur Dhwaj. Theek hai? Hamara jo national flag hai, hamara jo Rashtriya Jhanda hai, usse hum kya kehte hain? Tiranga kehte hain. Kya kehte hain? Tiranga. ये बहुत फेमस नाम है, इसको आप लिख लें TIRANGA तिरंगा. हम अपने नेशनल फ्लैग को और क्या कहते हैं? तिरंगा. इसे हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? TRICOLOUR कलर, ट्राई कलर. ठीक है, तो इसका मतलब होता है तीन रंग वाला. ठीक है, जो तीन रंगों का होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्राई कलर. ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं पहले. इट इज आवर नेशनल फ्लैग. ये क्या है? हमारा नेशनल फ्लैग है, मतलब राष्ट्रीय ध्वज है. ठीक है, इट हैज थ्री कलर्स. इसमें कौन कौन से कलर होते हैं? कितने कलर्स होते हैं? थ्री कलर्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से, किसी को पता है? चलिए बताते हैं. ठीक है, सबसे पहला कलर क्या होता है? सैफ्रॉन होता है. कौन सा? ये जो ऊपर वाला कलर होता है, ये कौन सा होता है? सैफ्रॉन होता है. ठीक है, ठीक. नेक्स्ट क्या है हमारा? कौन सा कलर है? व्हाइट. नेक्स्ट क्या है? व्हाइट है. व्हाइट, तो व्हाइट कहाँ पे है? ये जो है व्हाइट है. क्या है? व्हाइट है. ठीक है, इसे बीच में एक सर्कल होता है, जिसको क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं. उसमें 24 ऐसी लाइंस होती है. ठीक है, उसको तीलिया कहते हैं हम, तीलिया. ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है? ग्रीन. तो ये कौन सा कलर है? ग्रीन है, जो सबसे नीचे होता है. ठीक है, चलिए. इन कलर्स की अपनी अपनी मीनिंग होती है. ठीक है, सबसे पहले जो सैफ्रॉन कलर होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मतलब होती है ताकत और हिम्मत. ठीक है, स्ट्रेंथ और करेज. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? व्हाइट. व्हाइट का मतलब क्या होता है? मीन्स शांति, पीस और इनोसेंस, और जो मासूमियत, जो शांति और मासूमियत होती है, वो किस में आती है? व्हाइट कलर में आती है. और ग्रीन में क्या आता है? ग्रीन में ग्रोथ आती है, हार्मोनी, फ्रेशनेस और फर्टिलिटी आती है. तो इसमें क्या कहते हैं? आगे बढ़ने का जज्बा आता है, और जो भी फ्रेशनेस आती है, ये सारी चीजें जो होती है किसमें आती है? ग्रीन में आती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, व्हेन वी सैल्यूट आवर फ्लैग. सैल्यूट का मतलब जो हम सलाम करते हैं, मतलब जब ऐसे होता है ना, ऐसे करते हैं हम, तो जब हम उसको सैल्यूट करते हैं, वी से जय हिंद. हम क्या कहते हैं जब अपने फ्लैग को ऐसे सैल्यूट करते हैं? तो हम क्या कहते हैं उस टाइम पे? जय हिंद कहते हैं. जब भी आप रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे आते हैं, तो होता है ना नेशनल सॉन्ग या फिर नेशनल एंथम, तो लास्ट में क्या कहते हैं? जय हिंद बोला जाता है. तो जब भी हम उसे सैल्यूट करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? जय हिंद. ठीक है, नेक्स्ट, We live for our flag. हम इस flag के लिए रहते हैं, मतलब हमेशा हम इसकी इज्जत करते हैं, और जो भी इसके लिए हो सकता है हमें करना चाहिए, और हम करते भी हैं. We will die for our flag. हम अपने flag के लिए मर भी सकते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये country का symbol है, ये national flag है, मतलब राष्ट्रीय है. तो अपनी country के लिए बहुत लोग मरते हैं, जैसे army वाले जो होते हैं, जो soldiers होते हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, वो क्या करते हैं? अपने देश के लिए, तो इसी फ्लैग को बचाने के लिए ही तो वहां रहते हैं. ठीक है, तो बहुत लोग मरते भी हैं, और हमें भी ऐसा करना चाहिए. ठीक है, से अलाउड. ठीक है, क्या कहेंगे? से अलाउड, तेजी से कहेंगे क्या? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. ठीक है, जय हिंद हम जब भी बोलते हैं, तो तीन बार एक साथ बोलते हैं, तो हम क्या कहेंगे? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. ठीक है, ओके. तो इस पोयम को बहुत अच्छे से लर्न करिएगा. ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा. थैंक यू.